सुकेश चंद्रशेखर के मामले में केजरीवाल सरकार बुरी तरह से फंस गई है। चार गंभीर आरोप लगे हैं, एक एक करके देख लीजिए। जेल के भीतर से उगाही का, अब ये आरोप किस पर लगते हैं? सरकार पे लगते हैं क्या? ऊपर से जेल के भीतर प्रोटेक्शन देने का, बस आप सुनते चले जाइए। 50 करोड़ रुपए में राज्यसभा सीट बेचने का और अनैतिक रूप से पैसे कमाने का। और याद रखिए, जो महाठग को भी ठग ले उसे केजरीवाल मॉडल कहते हैं। बॉलीवुड हीरोइन को ठगने वाले को भी जो ठग ले उसे केजरीवाल मॉडल कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि भैया एक घटना आई, तिहाड़ जेल में बंद एक व्यक्ति ने लिखा और आप इसे केजरीवाल मॉडल कह दें, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो अभी सुकेश चंद्रशेखर को ठगने की जो कहानी आई है ना, ये तो आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा प्रमाण दूंगा, क्योंकि इससे पहले पैसों की ठगी की ये जो कहानी है ना, ये अन्ना हजारे के साथ भी हो चुकी है और इसका भी इल्ज़ाम उस समय केजरीवाल पर लगा था। केजरीवाल पर अवैध तरीके से धन रखने और दबाने का आरोप अन्ना आंदोलन के दौर से लगा था। और याद रखिए, उस समय या तो इन सबूतों को दबा दिया गया या फिर जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स है ना, वो ठीक से आ नहीं पाई। वो तो खैर अभी पैटर्न आप देख रहे हैं कि अभी जो बुरी खबरें होती है पंजाब और दिल्ली की कहाँ आ पाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो झोल है ना, ये तब का है, तब से चला आ रहा है। और आज सुकेश चंद्रशेखर के बहाने मैं उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करूंगा, पैसे की उगाही, पैसों की ठगी के पूरे मामले का पर्दाफाश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद बर्णवाल। केजरीवाल और उनके साथी पैसे कमाने के लिए हर प्रकार का खेल करते रहे हैं। उन्हें पैसा चाहिए। अब पैसे कमाने के लिए नैतिकता जो चीज़ होती है ना, अब वो कोई पैमाना नहीं रहा, बस नैतिकता जाए भाड़ में। आप बस पैसे कमाते रहो, हर प्रकार का हथकंडा अपनाते रहो। और इस बार जो पैसे उगाही का काम है वो केजरीवाल के प्रिय साथी सत्येंद्र जैन, पद्मश्री वाले, वही उठा रहे थे। और आप देखिए ना, तिहाड़ जेल के अंदर ही जो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, उससे 10 करोड़ रुपए ठग लिए और ये चिट्ठी से खुलासा हुआ है, ये स्थिति है। और सुकेश चंद्रशेखर को जो ये प्रोटेक्शन रुपये मांगे गए, वो किस लिए मांगे गए? वो प्रोटेक्शन मनी के लिए मांगे गए। आप ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए ठग लिए गए। क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ये जानता है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जैसे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बचा रही है, ठीक उसी तरह से इस महाठग को भी बचा लेगी। और ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है ये भी समझ लीजिए। ये वही व्यक्ति है जिसने रैन वैक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह को तिहाड़ जेल से बाहर निकालने के लिए, रिहा कराने के लिए उसकी पत्नी से 200 करोड़ रुपए ठग लिए थे। इसीलिए तो महाठग कहा जाता है। और इस महाठग ने बॉलीवुड की हीरोइंस को भी अपने जाल में फंसा लिया था। एक उदाहरण से समझ जाएंगे कि यहाँ जो जैकलिन फर्नांडिस है वो तो इससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन इस बार इस महाठग को एक केजरीवाल के साथ ही नहीं ठग लिया। और ये है पूरा का पूरा बड़ा मामला। ये मामला सिर्फ जो ठगी का है ना, ये सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बहुत गंभीर भी है। क्योंकि सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लगे हैं वो केजरीवाल के कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र हैं। और इस समय सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ी जेल में ही बंद है, वो भी लंबे समय से, आप देख लीजिए। और उस पर ये करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप लगा है। महाठग चंद्रशेखर की तरह ही सत्येंद्र जैन ने भी हवाला से जमकर पैसा कमाया, कोलकाता से, जिसकी जांच ईडी सीबीआई सब कर रही है, उसी कांड में जेल में। और यहाँ तक कि इनके घर जब छापेमारी हुई ना, तो करोड़ों रुपये कैश और कई किलो सोना एजेंसियों ने जब्त किया था। हवाला की इस कमाई से सत्येंद्र जैन ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जमीनें खरीदी, खेती की जमीनें हैं, ये भी आप देख लीजिए। और केजरीवाल ने अपने साथ ही सत्येंद्र जैन को तो खुली छूट दे रखी थी, साथ ही एक और मंत्री है, शराब मंत्री
शिक्षा मंत्री भी ये कहते हैं नहीं बड़ा विचित्र मामला है, फंसते हैं शराब घोटाले में तो आता है शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री सब एक ही मामला है। हवा मनीष सिसोदिया को आप ये रिपोर्ट देखिए, सरकार में नीतियों को बदलकर व्यवसायियों से व्यापारियों से पैसा कमाने की छूट दे रखी थी और मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के इशारे पर शराब नीति को बदलकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ व्यापारियों को फायदा पहुंचाया और नुकसान किसका हुआ, दिल्ली सरकार को, दिल्ली की आम जनता को और दिल्ली की खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये है केजरीवाल का असली मॉडल। अब केजरीवाल मॉडल पर एक ऐसा आरोप, वो भी सुकेश चंद्रशेखर से ही जुड़ा हुआ है, जिसे देख करके आपको लगेगा कि इन्होंने तो मायावती जी को भी कोसों पीछे छोड़ दिया है, मैन जी को पीछे छोड़ दिया है। अब मायावती पर कौन से आरोप लगते थे, आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि लोकसभा राज्यसभा में सीटों को बेचने का गंभीर आरोप लगता रहा है और कई बार लगे, इनके अपने लोगों ने लगाए और ऐसी स्थिति हो गई कि बसपा ने अपनी बैंक बैलेंस में सारी पार्टियों को काफी पीछे छोड़ दिया। तो मायावती खुद बताने लगी कि उन्हें तो एक राज्यसभा सीट के लिए 100-100 करोड़ रुपए के ऑफर किए जाते थे। अब आप सुकेश चंद्रशेखर की कहानी सुन लीजिए, ये रिपोर्ट देखिए, इसने भी ये जानकारी दी है कि इन्हें ये कहा गया था कि राज्यसभा सांसद बना देंगे और 50 करोड़ रुपए चंदा ले लिया गया था। अब चंदा दिया होगा तो कोई छुपी बात तो होगी नहीं, ये सारी चीजें देखिए अब आने वाली है क्योंकि अब तो जांच के भी आदेश हो गए हैं। और ऐसे ही आरोप केजरीवाल पर तब भी लगा जब पहली बार दिल्ली में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा था और केजरीवाल जी को पता था कि हमारे ही लोग चुनेंगे और किसको दिया, 1 अरबपति व्यक्ति को टिकट दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति सुशील गुप्ता आप देख लीजिए, उसे टिकट दिया गया जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी, कांग्रेसियों को भी अंदाजा नहीं था और आम आदमी पार्टी ने उसे टिकट दे दिया। अब इस आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में कितने लोगों का योगदान है आप सोचिए, जिन्होंने मेहनत की, जी जान लगा दी, जीवन समर्पित कर दिया, उसे नहीं दिया, उस धनाढ्य व्यक्ति को दे दिया जो आप समझ लीजिए बाकी, और तभी तो आरोप लगा। और ऐसे व्यक्ति को टिकट देने पर जो आलोचनाएं हुई उससे भी केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस एक ही मकसद, पैसे आने चाहिए। और सिर्फ राज्यसभा का टिकट ही नहीं, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, पंजाब में विधानसभा चुनाव के टिकट बेचने के भी केजरीवाल पर आरोप लगे। और पंजाब से पहले आइए आप ये रिपोर्ट देखिए, 20 करोड़ रुपए में दिल्ली के विधानसभा के टिकट बेचने का आरोप लगा है। यानी ये जो आरोप लगा है ना, ये भी कोई पहला नहीं है, इसकी भी पूरी सीरीज है। जहां भी चुनाव होते हैं और जहां भी जीतने के चांसेस होते हैं वहां के टिकट करोड़ों करोड़ रुपए में बेचने के गंभीर आरोप लगे। मैंने आपको कई पैटर्न में कई तरह की चीजें दिखाई, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं, अन्ना आंदोलन के दौरान। आप देखिए उस दौरान स्वामी अग्निवेश ने केजरीवाल के ऊपर 5 करोड़ रुपए डकारने का आरोप लगाया था, 5 करोड़ रुपए, ये तब की बात है, ऐसा नहीं कि पहली बार लग रहा है सरकार बनने के बाद, ये आप रिपोर्ट देख लीजिए। और ऐसा ही घोटाले का खेल केजरीवाल ने अन्ना के साथ किया था, केजरीवाल ने अन्ना के नाम पर आंदोलन में करीब 3 करोड़ रुपए जमा किए थे, एकत्रित किए थे, और जब पार्टी बनाकर अलग होने का फैसला किया तो स्वाभाविक रूप से अन्ना के नाम पर पैसा था तो उनको वापस देना था, और यही कहा भी कि हम तो सब दे देंगे लेकिन अपने पास रख लिया। आप रिपोर्ट देखिए, और आज तक उस पैसे का हिसाब अपने साथियों को नहीं दिया है। ये है स्थिति, ये अन्ना आंदोलन की कहानियां मैं आपको दिखा रहा हूं। और अन्ना आंदोलन के दौरान ही केजरीवाल ने फोर्ड फाउंडेशन से अपना जो एनजीओ है कबीर, उसको जो डोनेशन मिला था उसको भी छिपाने का काम किया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह केजरीवाल से हर दिन सवाल पूछते थे, जैसे केजरीवाल जी पोथा लेकर तैयार होते थे ना, तो वैसे वो सरकार भी काम कर रही थी। और आप देखिए कि कुछ लोगों ने कानूनी कदम उठाने की धमकी भी दी, तब जाकर केजरीवाल ने कबूल किया कि हाँ उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से
डोनेशन लिया है। तो ये है केजरीवाल का असली चरित्र। साथियों, ये कैसे विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया, भाई अब तो पता चल रहा है ना कि अन्ना को भी इसने मोहरा बना लिया, तो जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, आज वो व्यक्ति अनैतिकता और पाखंड में डूब चुका है पूरी तरफ से, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बनकर निकला है। मैंने तो आपको तो वो स्कैम दिखाया ना, ए टू जेड वाला, आपने देखा होगा कि हर अल्फाबेट से जो काम 70 साल में कांग्रेस ने किया वो केजरीवाल ने तो 7-8 साल में कर दिखाया। तो अब आपके मन में ये लग रहा होगा कि क्या सत्ता मिलने के बाद केजरीवाल बदल गए या शुरू से ही ऐसे थे, पाखंड का चोला ओढ़ कर अन्ना को धोखा दे रहे थे। तो इन परिस्थितियों में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केजरीवाल जी तो इस महाठग से भी बड़े ठग निकले, और यही बात तो इस देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।